बिस्मिल्ला रहमान रहीम। एक बार एक कुत्ते ने धर्मराज नूं तीन प्रश्न पूछे कि जिंदगी विच सब तो दुखी कौन रहिंदा है, सब तो वध दुखां दा की कारण है, बार बार कौन मरदा है, इस दुनिया विच साडा सब तो वध सका कौन आ। अज असीं तुहानूं एक कहानी राहीं इह सारी गल्लबात दसांगे, सो इनू पूरा जरूर सुनियो ते इस चैनल नूं भी जरूर सबसक्राइब करियो। गल उस समय दी आ जद पंजे पांडव हिमालय तों स्वर्ग लोक नूं जा रहे सी। कहिंदे आ कि जदों पंजो पांडव स्वर्ग नूं जा रहे सी तां इन्हां ने एक एक करके रस्ते विच ही अपने शरीर नूं त्यागिया सी। सब तों पहलां द्रौपदी ने, जो कि पंजा पांडवों की धर्म पत्नी सी, उन्हें अपना शरीर त्यागया। जदों पंजे पांडव जा रहे सी तां जांदे जांदे उन्हां नूं पिछे एक आवाज़ आई। युधिष्ठर ने पूछया भीमसैन नूं कि इह आवाज़ कादी आ, तां भीमसैन कहण लगे साडे पिछों शायद कोई एक डिग पिया है, उहदी आवाज़ आ। भीमसैन ने पिछे मुड़ के देखना चाहिया कि कौन डिगया, ते युधिष्ठर कहण लगे कि भीमसैन पिछे मुड़ के ना देखी। तो भीमसैन कहण लगे इह तां साडी धर्म पत्नी द्रौपदी आ जिहड़ी कि डिग पई आ। युधिष्ठर कहण लगे कि तू पिछे ना जाई, ना देखी, इह साडी सखी नहीं आ। तो भीमसैन कहण लगे कि तुसीं किदां दी गल कर रहे हो, इह साडी सब तो प्यारी धर्म पत्नी सी जिन्हें साडा पंजां दा बड़ा ख्याल रखिया, साडी खुशी लई बहुत कुछ कीता, ते ओह अज रास्ते विच ही डिग पई आ, की सानू उहनूं चकना नहीं चाहीदा। तां युधिष्ठर कहण लगे कि भीमसैन तू इत्थे गलत आ, इस द्रौपदी ने अपने मन विच साडे लई भेदभाव रखिया, इह साडे पंजां भरावां दे विच बहुत ज़्यादा भेदभाव करदी सी, इह सानू इक समान प्यार नहीं सी करदी, ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਅਰਜੁਨ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਵੀ ਸਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਪੰਜੇ ਪਾਂਡਵ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਜਦੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹਿਦੇਵ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਭਰਾ, ਉਹ ਡਿੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ ਡਿੱਗਿਆ, ਤਾਂ ਭੀਮਸੈਨ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਭਰਾ ਸਹਿਦੇਵ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਭੀਮਸੈਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਸਹਿਦੇਵ ਨੂੰ ਚੱਕਣ ਲਈ ਗਏ ਤਾਂ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਭੀਮੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਚਲਾਕ ਬੁੱਧੀ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਚੱਲੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਭੀਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈਆ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਅਨੁਜ ਨਕੁਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਭੀਮਸੈਨ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਚੱਕਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਨਕਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੁੰਦਰਤਾ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਮੰਡ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਬਚਾ ਸਕੀ, ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਤੜਫਦਾ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਹਾਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਅਰਜੁਨ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਭੀਮ ਨੇ ਅਰਜੁਨ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧਨੁਰ ਵਿੱਦਿਆ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹੂਬਲ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਜਿੱਤ ਸਕਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਪੂਰੇ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਲਵਾਂਗਾ, ਪਰ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨੇ 18 ਦਿਨ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਇਹ ਬਾਹੂਬਲੀ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਤੁਰ ਪਏ। ਉਹ ਅਜੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੀ ਦੂਰ ਗਏ ਸੀ ਕਿ ਭੀਮਸੈਨ ਵੀ ਤੜਾਕ ਦੇਣੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਪਰ ਧਰਮਰਾਜ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਾ ਦੇਖਿਆ। ਡਿੱਗੇ ਹੋਏ ਭੀਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੇਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ
मेरी जिंदगी दे गुनाहां बारे तां दस जाओ। तां युधिष्ठर कहन लगे कि तू अपनी जिंदगी विच लोड़ तो ज़्यादा भोजन खाधा, देवते दिन विच एक बारी, इंसान दो बारी, ते राक्षस तीन बारी भोजन करते आ, उहदे तो बद कोई कुत्ता भोजन करता। हे अनुज, तू बहुत बड़ा पेटू सी, तेनू अपने जोर ते अपने बाहुबल ते बहुत ज़्यादा हंकार सी, घमंड सी, इसे करके तेरा ये हाल होया। इन्हां पंजा पांडवों के बिच्चों चौहान ने कदी ना कदी हंकार किया सी, इसे करके इन्हां दा ये हाल होया। पर जेड़े इन्हां दे सब तो बड़े भरा युधिष्ठर, जिन्हां नूं धर्मराज भी कहा जांदा, उन्होंने सदा ही धर्म का मार्ग अपनाया सी, इसे करके उन्होंने जेड़े नेक कर्म सी एक कुत्ते दे रूप विच उन्होंने नाल नाल जा रहे सी। धर्मराज ते वो कुत्ता चलते चलते हिमालय के शिखर तक पहुँच गए। जो शिखर ते पहुँचे तो देखते आ कि देवते उन्होंने लैन आए हुए आ। एक बहुत आलीशान विमान दे विच देवत्या ने धर्मराज नूं कहा कि आओ तुसी इस विमान दे विच बैठ जाओ। ता धर्मराज कहन लगे मेरा ये कुत्ता भी मेरे नाल ही जावेगा। ता देवते कहन लगे नहीं, ये कुत्ता स्वर्ग लोक विच नहीं जा सकता, केवल तुसी ही साडे नाल चल सकते आ। ये सुन के युधिष्ठर कहन लगे कि मेरे सकिया ने एक एक करके मेरा साथ छड़ दिता, पर एक कुत्ता ही आ जिन्हें अखीर तक मेरा साथ नहीं छड़िया, ते धर्म दे अनुसार साडा सका उही आ जेड़ा अखीर तक साडे नाल चले, साडा साथ दवे। कहिंदे हन कि जेकर धर्म दे काम विच कोई कुत्ता भी साडा साथ दवे तां उहदा भी साथ कदे नहीं छड़ना चाहीदा। केड़ा इंसान बार बार मरदा, जेड़ा इंसान अपनी जिंदगी विच अपनियां कामनावां नूं काबू नहीं करदा, अपनियां इच्छावां ते काबू नहीं करदा, जो सोचदा मैनूं आ भी मिल जावे उह भी मिल जावे, वह बार बार मरदा, बार बार जन्म लैंदा। ते जेड़ा अपनियां इच्छावां तों कामनावां तों रहित हो जांदा, वह फिर मुड़ के ना तां जमदा ना ही मरदा। इसे गल नूं समझाउण लई असीं तुहानूं इक छोटी जिही कहानी सुणाउंदे आं। किसी नगर दे विच इक बड़ा सेठ रहिंदा सी, जिहदे कोल इन्नी धन दौलत सी कि जिहदियां नौ पीढ़ियां बह के खा सकदियां सी। एक दिन वह सेठ अपने घर विच लम्मा पिया, उसल बट्टे लै रहा, उहनूं नींद नहीं आ रही। तां उहदी घरवाली ने पुछिया की गल होई, अज तुसीं बड़े परेशान लगदे आ। पर वह आदमी कुछ नहीं बोलिया, चुप चाप लेटिया रहा। थोड़े समय बाद जदों उहदी परेशानी वध गई, उहनूं नींद ना आवे, तो उहदी घरवाली ने परेशान होकर पुछया कि दसो तां सही की गल आ, शायद मैं तुहाडी समस्या का हल कर दवां। तां उह कहण लगा कि अचानक मेरे दिमाग विच इक विचार आया कि जेकर साडा काम कार बंद हो जाए तां असीं की करांगे, किन्ना चिर जींदे रह सकदे आ। तां उहदी धर्मपत्नी पुछण लगी फिर की तुसीं इहदा हल कढ़िया? तां उह कहण लगा कि मैं सारा हिसाब ला के देखिया कि जेकर साडा काम कार बंद हो जाए तां साडियां नौ पीढ़ियां बह के खा सकदियां, उहनां नूं काम करन दी लोड़ नहीं। पर मैं दसवीं पीढ़ी लई परेशान हाँ कि जदों नौ पीढ़ियां बह के खा लैणगियां तां दसवीं पीढ़ी की खावेगी, की करेगी, इसे करके मैं परेशान हाँ। इन्नी गल सुन के उहदी धर्मपत्नी कहण लगी तुसीं फिक्र ना करो, कलू आप एक फकीर कोल चलांगे, एक संत कोल चलांगे, वो साडा मार्गदर्शन करनगे। इस तरह समझा के उहदी पत्नी ने उहनूं किसे तरीके सला दिता। अगले दिन वह संतां नूं मिलने तैयार होण लग पए। उहदी घरवाली ने कुछ फल फ्रूट एक गड्डे विच लद लए ते उत्थे नूं जाण लई तैयार हो गए। उहनां फल फ्रूटां नूं देख के वह सेठ कहण लगा कि आह की करने आ? तो वह कहन लगी असी संतां दे कोल चले हाँ, उन्हां नूं भेट कर दवांगे। तो वह सेठ कहन लगा ये तो मैं अपने हिसाब किताब विच जोड़िया ही नहीं। तो उहदी घरवाली कहन लगी कोई गल नहीं, असी किहड़ा रोज़ रोज़ जाना। इन्नी गल सुन के वह सेठ मन गया। दोनों ही संतां दे कोल पहुँच गए, उत्थे जाके उन्होंने वह फल फ्रूट भेट किए। तो उस संत ने अपने शिष्य नूं पुछया कि साडे कोल किन्ना राशन बचदा?
ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਰਾਤ ਦਾ ਪੂਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਸ਼ਨ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਤ ਦਾ ਭੋਜਨ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਭੋਜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਔਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਲਓ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਸਾਡੇ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹ ਸੇਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਚਲੋ ਪ੍ਰੀਏ ਘਰ ਨੂੰ ਚੱਲੀਏ। ਤਾਂ ਔਰਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹ ਸੇਠ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ 9 ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 10ਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਤੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਗੌਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ।